हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, चकाचक होंगे। मेरा भी बढ़िया चकाचक चल रहा है। तो कभी कभी ऐसे ऐसे सिचुएशन आते हैं कि लगता है कि बस अब भगवान ने सारे तकलीफ़ सारे दुख दर्द हमारे ही किस्मत में लिख दी है। बस अब कुछ नहीं, सब कुछ ख़त्म, लाइफ अब आगे बढ़ेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। तो ये बस हमारी नकारात्मक सोच है और नेगेटिव माइंड से ही ऐसे विचार आते हैं और यही विचार सिचुएशन क्रिएट करते हैं। जानबूझकर गलत चीज़ों को बार बार करते रहना, बार बार दोहराते रहना, और एक दिन ऐसे हालत हो जाती है कि सिर्फ तकलीफ़ें ही तकलीफ़ मिलती है। और ऐसा ही नहीं कि ये नकारात्मक सोच सिर्फ किसी एक पर्सन में होता है, ऐसा देखा जाता है कि हर किसी में कोई ना कोई बुरी आदतें होती ही है। लेकिन गलत सोच बुरी आदतों को बाहर निकाल के अपनी ज़िंदगी को निखारने के लिए अगर पक्का कर लिए हैं, मन एकदम ठान लिए हैं कि बस अब अपनी ज़िंदगी को निखारेंगे, अपने आप को सुधारेंगे, अपनी कुछ बुरी आदतों को छोड़ेंगे, तो अभी भी देर नहीं हुई। एक बहुत पुरानी कहावत है ना कि सुबह का भूला अगर शाम घर आए तो उसे भूला नहीं कहते, बहुत ही पुरानी कहावत है। तो बस बुरी आदतें छोटी तो ज़रूर होती है, बहुत छोटी सी होती है, लेकिन धीरे धीरे यही आदतें रुकती नहीं है, बस अब लाइफ में एक ऐसा जगह बना लेती है और जगह बना के इतना ज़्यादा जकड़ जाती है कि फिर चाहकर भी उसे निकाल नहीं पाते। लेकिन अगर लगातार कोशिश किया जाए कि ना बुरी आदतों को हमें छोड़ना है और अपने अच्छे से विचार, मतलब सकारात्मक विचार को लाना है, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है, तो बस इसे ये कोशिश ज़रूर सफल होती है। तो सबसे पहला बुरी आदत जो है कि हम सभी में होता है, लगभग सारे लोगों में ये देखा जाता है, कंपैरिजन करना, मतलब तुलना करना, अपने आप को दूसरों से तुलना करना। और ये आदत हमें सिर्फ दुख और तकलीफ ही देती है, क्योंकि इस दुनिया में सभी अलग अलग होते हैं, अपने आप में ही सब खास होते हैं। यही खासियत के साथ ही अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करना चाहिए। कंपेयर करके ऐसी आदत है जो कि हमें भी और जिसके साथ अगर हम कंपेयर कर रहे हैं उसे भी सिर्फ तकलीफ़ ही तकलीफ़ देती है, क्योंकि कंपेयर हमेशा किया जाता है सक्सेस को लेके, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि वो सक्सेस इतना हुआ है किन रास्तों पे चल के, उसकी रास्ते कितनी पेनफुल हुई होगी, कितना संघर्ष हुआ होगा उसकी लाइफ में, तब जाके वो सक्सेस हुआ है। तो बस इसीलिए कंपेयर कभी करना ही नहीं चाहिए। और दूसरी आदत जो है नकारात्मक विश्वास। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे खुद के विश्वास के कारण ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और सफल मंजिल तक पहुंचते भी हैं। बस अब ऐसे में अगर हमें सफल होना है और हमारा विश्वास ही नकारात्मक हो, तो ऐसे में आगे बढ़ना तो क्या, एक कदम भी चलना मुश्किल हो जाता है। नेगेटिव सोच बहुत छोटी सी होती है लेकिन लाइफ में बड़ा रोल प्ले करती है। ये नेगेटिव सोच ही है जो कि हमारी खुशियों का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर देती है। तो ऐसे में अपने दिमाग से ये नकारात्मक विचार अगर निकालने में सक्सेस हो गए तो फिर हमेशा खुश रह पाएंगे और दूसरों सामने वालों को भी खुश रख पाएंगे। तो चलिए बस तीसरा है एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। हम जो हैं जैसे हैं बस अपने आप को स्वीकार कर लेते, ज़रूरी नहीं है कि इस दुनिया में जो जिसको मिला है वही सबको मिले, मतलब अगला को अगर बहुत कुछ मिला है तो वो ज़रूरी नहीं कि हमें भी वही सब मिले। तो हम जो हैं जैसे हैं जितने में हैं उसे जितनी जल्दी अगर स्वीकार कर लें, एक्सेप्ट कर लें, उतना ही ज़्यादा हम खुश रह पाते हैं। इस दुनिया में जितने भी हैं हर कोई चाहता है कि हमें सब एक्सेप्ट कर लें, हम सभी को पसंद आए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला हमें पसंद करे या फिर हम सामने वाला को पसंद आ जाए, ऐसा नहीं होता। तो ऐसा अगर ना हुआ, थोड़ा सा उम्मीद टूटा, तो हम भी अंदर से टूट जाते हैं, पूरे हिल जाते हैं और अंततः नतीजा ये निकलता है कि डिप्रेशन। तो ऐसे में हर कोई आपको सही कहे ये उम्मीद लगाना छोड़ दें। ज़रूरी नहीं है कि हम जो कर रहे हैं लोगों को भी अच्छा लगे, बस ये विश्वास होना चाहिए कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। तो फिर लोगों को सफाई देने की भी ज़रूरत नहीं है, किन किन को सफाई देते फिरे, हर किसी को सफाई देने से बेहतर है उसे छोड़ दें। आपके लिए क्या सही है क्या गलत है
इसे से बेहतर कोई नहीं जानता। इसीलिए तो कहा जाता है कि समय समय पे खुद से खुद की पहचान भी करानी चाहिए। बस सबसे लास्ट है सॉल्यूशन, संभावना। जैसे कहते हैं ना कि हर ताला की चाबी होती है, ताला बना तो चाबी भी उसकी बनती ही बनती है। जैसे कि हर जोड़ का तोड़ होता है, उसी तरह हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, हर समस्या का समाधान होता है। लेकिन यही है कि फ़र्क होता है कि हम देख नहीं पाते, कभी कभी हमें दिखता ही नहीं है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि उसका समाधान मतलब सॉल्यूशन सामने है लेकिन हमें दिख नहीं रहा, लग रहा है जैसे कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये तो कभी सॉल्व होगा ही नहीं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इन सब के बीच सबसे अच्छी और सबसे सच्ची बात क्या है जानते हैं फ्रेंड्स? यही, हर समस्या में संभावना सॉल्यूशन छुपी होती है। ज़रूरत है थोड़ी सी गहराई से अंदर जाने की, खुद ब खुद समस्या का समाधान दिखने लगेगा। हाँ, भले ही थोड़ा लेट लगे, अगर समस्या का समाधान ना मिले तो ऐसे में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ मतलब कि छोड़ देना चाहिए, कुछ देर कुछ दिन समय लगे तो वो समय के साथ वो ठीक हो जाएगा। कभी कभी समस्या, हर समस्या का समाधान समय होता है, मतलब हर दर्द की दवा समय के पास होता है, ये बात 100% सही है। तो फ्रेंड्स, इन सब के बीच सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुश रहना, अपनी खुशियों का विशेष ध्यान रखना, नए नए चीज़ सीखने की चाहत रखना और कोशिश करना। क्योंकि जब नए चीज़ सीखने के लिए अपने माइंड को हम तैयार करेंगे तो फिर कभी भी नकारात्मक विचार दिमाग में आएंगे ही नहीं, हमेशा सकारात्मक विचार आते रहेंगे, नए चीज़ सोचने के बारे में सोचते रहेंगे, सीखने के बारे में सोचते रहेंगे। तो बस ये ज़रूर करना चाहिए। तो एक और भी पुरानी कहावत याद आ गई कि खाली दिमाग शैतान का घर, मतलब जब दिमाग हमारा, माइंड हमारा खाली रहेगा तो हमेशा नकारात्मक विचार उसमें आते ही रहेंगे। क्योंकि नकारात्मक विचार लाने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना नहीं पड़ता, हाँ सकारात्मक विचार लाने के लिए, नए कुछ सीखने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लाना पड़ता है, और नकारात्मक विचार खुद ब खुद हमारे माइंड में जगह बना लेती है। तो बस अगर कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहेंगे तो अपने आप हमारा माइंड निखरते जाएगा, और जब दिमाग निखरेगा तो खुद ब खुद हम अपने आप को निखारते रहेंगे। तो बस अपने आप को हमेशा बिजी रखें, और बिजी का मतलब है कि अपने पसंद का काम करें, और जो काम पसंद ना हो, मैं तो यही कहूँगी कि जो काम पसंद ना हो, जिस काम में मन ना लगे करने में, वही काम ज़्यादा करना चाहिए, तो फिर वही काम आपका फेवरेट बन जाएगा। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। तो आज तो भाई बन क्या रहा है ये हम बताए नहीं आप लोगों को, चलिए बता देते हैं। टमाटर और खजूर की मीठी चटनी बनाया है, इमली का खट्टी वाली चटनी बनाया है, और केले का पकौड़ी बनाया है। बस एक छोटा सा लौकी का टुकड़ा था उसको भी इसी में मिला दिए हैं, तो हमारा आज का ये नाश्ता तैयार हो गया। तो फिर इसी के साथ टाटा बाय बाय कहने का भी टाइम हो गया, फिर आप सबसे कल मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो।